भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बाद में अब कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने जहां अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी नाम दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने इसे भरोसे की घोषणा बताया है। अब कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर भाजपा के घोषणा पत्र संयोजक और सांसद विजय बघेल ने तीखा वार किया है। IBC 24 से खास बातचीत करते हुए विजय बघेल ने कहा कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र की नकल करेगी, और ऐसा ही हुआ। हमने मोदी की गारंटी का बम फोड़ा तो ये हड़बड़ा गए। नकल के लिए वो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार भी कर रहे थे। विजय बघेल ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को नई घोषणाएं करने से पहले अपनी पुरानी घोषणाओं को याद करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। विजय बघेल ने कहा कि इस बार वो गंगा जल लेकर नहीं बैठे, उन्हें इस बार शराब लेकर बैठना था, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किया। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से आप कितने ज्यादा सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।